पहचान के बदले हम आपके कुछ काम आ सके हमें खुशी होगी, हमें बहुत खुशी होगी। शुक्रिया, फिलहाल आप लोग मुझे 100 पत्तियों वाला सुनहरा कमल लाकर दीजिए। 100 पत्तियों वाला सुनहरा कमल? क्या सोच रहे हो आप लोग? आ गए तुम लोग, चलो उस नरमुंड के पास और उसकी आंखों में झांक कर देखो और उसकी छवि को अच्छी तरह से पहचान लो। जाओ। छवि वाले प्राणी का नाम जूनियर जी है और इसे तुम्हें ढूंढना है। जाओ इसे ढूंढ कर मेरे पास लाओ। जाओ। मजा आ गया बारिक सिंह, लेकिन एक बात बताओ बारिक सिंह, हम लोग यहाँ रात को क्यों घूम रहे हैं? आप फिर से भूल गए हैं सर, हम उस 14 साल के लड़के गौरव को ढूंढने आए हैं जो खो गया है। अच्छा, लेकिन उसे तो हम दिन में भी ढूंढ सकते थे, ये रात को क्यों ढूंढ रहे हैं? हाँ सर, हम उसे दिन में भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम उसे इस वक्त इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि अगर हम उसे इस वक्त नहीं ढूंढेंगे ना तो उसका चाचा हमारी कमिश्नर साहब से कंप्लेंट कर देगा और हम दोनों की ना टन 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 छुट्टी हो जाएगी। हाँ याद आया, याद आया, चलो 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 उसे ढूंढते हैं। क्या सर आप कुछ पूछना चाहते हैं? बारिक सिंह एक बात बताओ, अगर इस रात को वो खूनी दरिंदा मिल गया तो क्या होगा? आप डर रहे हैं ना सर? मैं बिल्कुल नहीं डर रहा बारिक सिंह, मैं क्यों डरूंगा? और मैं मेरे पास तो भरी हुई पिस्तौल है, मैं क्यों डरूंगा भाई? ये देखो भरी हुई है, मेरा नाम इंस्पेक्टर भवानी सिंह है, मैं नहीं डरता। वाह सर वाह वाह, मैं तो भूल ही गया था सर, हम पुलिस वाले कभी किसी से डरते हैं क्या? नहीं नहीं सर, चल के उस लड़के को ढूंढे। अरे उसे हम ढूंढ लेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं। अरे वाह सर वाह सर, आप जिंदाबाद हैं सर, आप जिंदाबाद हैं सर। मैं भी सोचता हूँ कि हमें आराम कर लेना चाहिए सर। तो सर यहाँ पे कहीं किसी जगह पे जाके बैठे? हाँ वो सर वो पत्थर पे जाके बैठते हैं। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। हाँ चल वेरी गुड। बारिक सिंह आएगा, बारिक सिंह इधर आओ, इधर आओ, मेरी बात एक सुनो। क्या है कि अगर उस पत्थर पे तुम मुंडी इस तरफ करके बैठोगे और मैं मुंडी उस तरफ करके बैठूंगा तो दोनों तरफ से दिखेगा।
ऐसे बैठते हैं, आ जाओ। अरे वाह सर, आप तो कमाल है। ऐसा करने से तो हमारे दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। दोनों काम? हाँ सर। दोनों काम मतलब? सुनिए सुनिए, दोनों काम सर, हम दोनों आराम भी कर लेंगे। हाँ? और अपनी ड्यूटी भी। हाँ? हाँ? वेरी गुड वेरी गुड बारिक सिंह। बैठिए सर। देखा मेरे साथ रहने का सर, क्या बात है। बैठिए बारिक सिंह, बैठ जाओ। ये जरा अब आएगा मजा सर। हाँ आप डर रहे हैं ना सर। अरे मैंने डरा? तुम डर रहे हो बारिक सिंह? मैं नहीं डरता हूँ सर, मैं कभी नहीं डरता। मैं कहाँ डरूँ सर। बारिक सिंह। हाँ जी सर। तुम डर रहे हो ना? नहीं सर। तुम डर रहे हो ना? नहीं सर, मैं कहाँ डर रहा हूँ। तुम नहीं डर रहे तो अपनी पीठ खुजाना, मेरी पीठ क्यों खुजा रहे हो? नहीं खुजाता हूँ सर। अब तो केवल 20 मिनट बचे हैं हमारी आखिरी उम्मीद खत्म होने में। पता नहीं समय रहते वो सुनहरा कमल पहुंच पाएगा कि नहीं। अगर समय रहते वो कमल नहीं पहुंच पाया तो जूनियर जी नहीं बचेगा। हमारा गौरव हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। जगह ढूंढ आए मगर इस जूनियर जी का कहीं नामो निशान तक नहीं मिला। ये इतनी सारी दुरात्माएं किसकी खोज में यहाँ घूम रही हैं? किसकी खोज में घूम रही हैं? काल कलंतर ने जो छवि हमें दिखाई है वो किसी ड्रेस में है जिस पर जी बना हुआ है। तो हमें काल कलंतर की यातनाएं सहनी पड़ेगी। बड़ा जालिम तांत्रिक है वो। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा उससे। वो तो ये बात है, एक मुसीबत से पीछा छूटा नहीं कि दूसरी सामने खड़ी है। क्या 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 हाँ ओम संजीवनी। हाँ अब ठीक रहेगा, अब बिल्कुल ठीक रहेगा। क्या सोच रहे हो आप लोग? हे प्राणी, आपके पास समय की वैसे भी बहुत ही कमी है। हम चाहे तो भी सुबह तक 100 पत्तियों वाला सुनहरा कमल नहीं ढूंढ सकते। हे भगवान, अगर सुनहरा कमल नहीं मिला तो मेरा उस्ताद यानी जूनियर जी कभी जिंदा नहीं बचेगा। क्या मुझे सुनहरा कमल नहीं मिलेगा? आप चिंता न करिए, मैं एक काम करती हूँ, यहाँ जितने भी कमल के फूल हैं, सभी आपको दे देती हूँ। ओम नमो कमल पुष्पम देही।
आपके कमल के फूल। लेकिन ये सब मैं कैसे ले जा सकूंगा? मेरे पास तो वक्त भी बहुत कम है, क्या करूं? आप फिक्र न करें, हमारे पास एक मायावी कालीन पड़ा है जिस पर ये सब कमल और आप आ जाएंगे। ओम कालीन प्रकट हो। हाँ, ये ठीक रहेगा। हे प्राणी, अब आप इस कालीन पर विराज, तेरे सवार की इच्छा है, पहुंचा दे इसे इसके लक्ष्य तक। तक गरों की कोई खबर नहीं, अब तो सिर्फ भगवान का ही बस सहारा है। कहते हैं ऐसे में अगर उसे सच्चे दिल से याद करो तो वो जरूर सुनता है। हे प्रभु, मेरे गरों की रक्षा करना प्रभु। वो जहां भी हो बस ठीक ठाक हो, उसे उसे सही सलामत पहुंचा दो प्रभु, सही सलामत पहुंचा दो मेरे घरों को, मेरे घरों को सही सलामत पहुंचा दो प्रभु। आओ हम सब मिलकर भगवान की प्रार्थना करें। प्रोफेसर साहब, समय बहुत ही कम था, मैं 100 पत्तियों वाला सुनहरा कमल ढूंढ नहीं पाया। और हाँ, जितने भी उस झील में सुनहरे कमल थे मैं वो सब ले आया हूँ। तो अब मुझे इनमें से 100 पत्तियों वाला सुनहरा कमल ढूंढ कर निकालना होगा। ओम देवी सर्वदाय।
होगा सुनहरा कमल। अब मुझे जल्दी से इसका लेप। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।